अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है क्लास बीए थर्ड ईयर, हम शॉर्ट स्टोरी रीड करेंगे द फ्लाई। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट जो है वो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आ ट्रेजिक स्टोरी, वेरी इंपॉर्टेंट है जी। द फ्लाई इज़ अ ट्रेजिक स्टोरी, डिस्कस इट, इसके ऊपर जो है वो एक बहस करें। इन द स्टोरी, कहानी में द फ्लाई कैथराइन मैंसी फाइल पॉइंट्स और वादे करती है ए वेरी डीप, एक जो है वो बड़ा गहरा फैक्ट हकीकत अबाउट लाइफ, जिंदगी के बारे में। इन हर व्यू, इसके नज़रिए में टाइम इज़ अ ग्रेट हीलर ऑफ मैन ग्रीफ, वक्त इंसान के गमों पर मरहम का काम देता है। इट मीन, इसका मतलब है दैट द ग्रीफ गम विच ए मैन एक्सपीरियंस, जिसका तजर्बा होता है एक आदमी को इन हीज लाइफ, ज़िंदगी में इज़ ओवरकम, काबू पा लेता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ। राइटर एलुसाइडेट्स, रोशनी डालता है हर पॉइंट्स अपने नुक्ते पर ऑफ व्यू इन ए वेरी इंप्रेसिव मैनर, बड़े जो है वो पुरअसर अंदाज के साथ। देर आर टू करेक्टर, दो किरदार हैं इन द स्टोरी कहानी में, वुडी फील्ड एंड हीज फ्रेंड्स का दोस्त द बॉस, हु हैपन टू एक्सपीरियंस, इनको तजर्बा हुआ द सेम टाइप, एक ही किस्म के गम का इन देयर लाइफ, अपनी ज़िंदगी में। बोथ ऑफ देम हैव लॉस्ट देयर ओनली सन, दोनों ने जो है वो खो दिया अपने बेटे इन द वर्ल्ड वार जंग अजीम में। द डेड बॉडीज, मुर्दा जिसम ऑफ बोथ आर दोनों के लाइंग इन अ फॉरेन लैंड, बेल्जियम में जो है वो हैं। बोथ वुडी फील्ड एंड हिज बॉस, इसका जो है वो बॉस, डू नॉट हैव चांस, उनको मौका नहीं मिलता टू विजिट करे द ग्रेव्स, कब्रों का, ऑफ देयर डेड सन, अपने जो है मुर्दा बेटों की। इट इज़ अ डिस्ट्रेस्टिंग, ये तकलीफ दा ग्रिफ गम है टू बोथ ऑफ देम, दोनों के लिए। बोथ हैव फॉरगेटन, भूल गए हैं इट विद द लैप्स, वक्फा डाल के ऑफ 6 ईयर, 6 साल का। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिस्कशंस, गुफ्तगू के दौरान मिस्टर वुडीफील्ड टेल्स हिज फ्रेंड, अपने दोस्त को जो है वो बताता है दैट हिज डॉटर, इसकी जो है वो बेटियाँ, हैपन टू विजिट बेल्जियम, उन्होंने जो है वो बेल्जियम में विजिट पर गई द प्रीवियस वीक, पिछले हफ्ते। दे विजिट देयर ब्रदर, उन्हें जो है अपने भाई की कब्र पर जो है वो विजिट किया, रिगी ग्रेव, रिगी की कब्र पर। दे आल्सो कम अक्रॉस, उनका गुजर हुआ ही सन, इसके बेटे की कब्र के पास से। ही टेल्स द बॉस, को बताती है दैट द ग्रेव यार्ड के कब्रस्तान इज़ वेल डेकोरेटेड, बड़ा अच्छे तरीके से सजाया हुआ है एंड वेल मेंटेन्ड, और बड़ी अच्छी उसकी जो है देखभाल की हुई है। मिस्टर वुडीफील्ड नरेट्स बयान, जो है वो कहती है दिस इंसिडेंट्स वाकई इन ए केयर फ्री मैनर, एक बेफिक्री अंदाज के साथ। ही डज नॉट मैंशन, वो जिक्र नहीं करता अबाउट द ग्रेव्स, कब्रों के बारे में, ऑफ देयर डेड सन, जो है वो अपने मुर्दा बेटों की, विद एनी थिंग पार्टिकुलर इन हीज माइंड, जो इनके जहन के अंदर कोई चीज़ मखसूस है। देर इज़ नॉट अ लिटल ट्रेस, कोई निशान नहीं है और पर्सनल ग्रीफ, जाती जो है वो गम का, इन हीज नरेशन, अपने बयान में किया ऑफ द विजिट, विजिट का ऑफ हिज डॉटर, बेटियों की, टू द ग्रेव यार्ड, यानी कि कब्रस्तान के अंदर। टाइम इज हैज़ नो डाउट हील्ड हिज ग्रेव, इसमें नहीं कि वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान के जख्म जो है वो मांद पड़ जाते हैं। हू एवर अलबत्ता द बॉस इज़ ग्रेटली, बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब हुआ एट दिस न्यूज, इस न्यूज़ पर। हिज ग्रीफ, इसकी ग्रीफ ने रिवील दोबारा याद कराया, इट अपियर, इसके जाहिर होने को, टू हिम, इसके लिए, एज थॉट द अर्थ, जमीन हैड ओपन, खुली, एंड ही हैड सीन द बॉय, उसने जो है वो लड़के को देखा लाइंग देयर, वहाँ लेटे हुए। टाइम हैज़ एक्चुअली, दरअसल, हील्ड हीज ग्रीफ, वक्त ने आसा आसा जो है वो इसके ज़ख्म को जो है वो मान कर दिया है। एट द डेथ, मौत पर, ऑफ हिज सन, बेटे की, ही यूज़ टू टेल एवरी बॉडी, हर एक को बताता है दैट ही कैन नॉट लिव विद आउट हिज सन, के वो कभी नहीं रह सकता अपने जो है वो बेटे के बगैर। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ, ही फॉर गेट्स, वो भूल जाता है हिज ग्रीफ, अपनी जो है परेशानी, एंड बिगन टू वर्क लाइक ए नॉर्मल मैन, और एक आम आदमी की तरह काम करना शुरू कर देता है। दिस शो जाहिर करता है दैट टाइम, वक्त हैज कॉन्कर, फतह किया है हिज ग्रीफ, इसके गम को। बट नो, ही नो द एक्सीडेंटल मैंशन, लेकिन ये इतफाकी जिक्र ऑफ द ग्रेव कब्र का, ऑफ हिज सन, बेटे की, रिवाइव याद लाता है हिज सारो, इसके जो है वो परेशानी, गम को। ये तो थी बेटा जो है वो आज की जो है वो स्टोरी द फ्लाई, उसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको रीड आउट करवा दिया है। इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता इनके जो बकिया क्वेश्चन है वो भी मैं आपको डिटेल के साथ रीड आउट कराऊंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ीमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।